अब वो पूरा मंदिर टूट जाता है। बंदरों का सरदार भी उसी मंदिर के नीचे दब जाता है। सभी बंदर भागकर वहां के पत्थरों को हटाने लगते हैं ताकि उस बड़े बंदर को बाहर निकाल सके। बगीरा और भालू को लगता है कि मोगली भी नीचे दब चुका है, लेकिन मोगली अभी जिंदा था। मोगली को पता चल गया था कि भेड़ियों के सरदार को उस टाइगर ने मार दिया है। बगीरा ने मोगली से इस बात को छुपाया था, जिससे मोगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो भागकर फिर से उसी जंगल की तरफ जा रहा था जहां से वो उस खूंखार टाइगर से बचकर आया था। मोगली एक पास के गांव में जाता है, वहां से एक आग की मसाल लेता है और अपने जंगल की तरफ भागता है। बगीरा और भालू मोगली को ढूंढ रहे थे। इस जंगल में सभी जानवरों को पता चल गया था कि मोगली वापस आ चुका है। सभी जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं। मोगली भागते हुए आता है और कहता है कि शेर खान, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। इस छोटे से लड़के में बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ चुकी थी। तभी वहाँ पर शेर खान आता है, कहता है कि आखिर तेरी मौत यहाँ पर लेकर आई गई। तभी मोगली कहता है कि ये जंगल मेरा घर है और ये सब मेरे परिवार है। टाइगर कहता है कि तुम एक डरपोक इंसान हो और बिल्कुल अकेले भी हो। तभी वहाँ पर भालू आता है। भालू मोगली के साथ खड़ा था और बगीरा भी मोगली के साथ था। सभी जानवर मोगली के साथ खड़े होते हैं। टाइगर कहता है कि सभी की